dear friends, I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, आज के lecture में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक interesting topic. So हमारे channel को अगर आपने like share subscribe नहीं किया है, so do like share subscribe our channel and let's start for today's lecture. So this is it. आज के lecture में friends हम पढ़ने वाले हैं learn in English with Hindi, how to make complaints, यानी कि शिकायत कैसे करें. अगर आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका ऑफिस हो, आपका कंज्यूमर रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, एट द एनी पॉइंट अगर आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो एकदम पोलाइटली शांति से आपको अगर कंप्लेंट लॉज करनी है यानी कि शिकायत करनी है तो देर आर सम डिफरेंट सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर यूजफुल टू रेज कंप्लेंट, टू रेज रिक्वेस्ट. सो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक और हाउ टू रेज कंप्लेंट, शिकायत कैसे दर्ज करें. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर. लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम एंग्री अबाउट. मुझे गुस्सा आ रहा है. आई एम एंग्री अबाउट, मुझे गुस्सा आ रहा है. नेक्स्ट पढ़ेंगे आई हेट टू टेल यू बट मुझे आपसे कहने में नफरत है लेकिन, या फिर मुझे आपसे कहने के लिए नफरत है लेकिन, या फिर मुझे आपसे कहने में गुस्सा आ रहा है लेकिन. आई हेट टू टेल यू बट, यानी कि जो आपको बात बतानी है वो इसके आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं. दीज आर द फ्रेजेस, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट आई एम सॉरी टू से दिस बट मुझे यह कहने के लिए खेद है लेकिन, ध्यान से पढ़िएगा. आई एम सॉरी टू से दिस बट मुझे यह कहने के लिए खेद है लेकिन, यह इसका मीनिंग है. फ्रेंड्स, हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल का एक जो फीचर है, गुड फीचर, कि हम हर एक इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में आपको मीनिंग बताते हैं, जो कि आपको हर एक ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का हिंदी में क्या उसका मीनिंग है वो समझ में आने के लिए हेल्प हो जाती है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. There seems to be a problem with, यानी कि जो भी बात आपको बतानी है वो बात बताने के लिए there seems to be a problem with, and वो आप जो भी आपको कंप्लेंट करनी है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. There seems to be a problem with का मीनिंग है के साथ एक समस्या लगती है. नेक्स्ट पढ़ेंगे आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक. ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, I have a complaint to make. मुझे शिकायत करनी है. अगर आप कहीं पे जाते हो, अगर आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी है, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपको कंप्लेंट रेज करनी है, सो सेंटेंस कौन सा यूज़ करेंगे आप? हेलो सर, I have a complaint to make. एंड जो भी कंप्लेंट आपको करवानी है वो आप बता सकते हो. सो ये सेंटेंस यूजफुल रहेगा, आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक. सो नेक्स्ट पढ़ेंगे आई एम अफ्रेड देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम विथ. मुझे डर है कि वहाँ थोड़ी समस्या है. आई एम अफ्रेड, अफ्रेड का मीनिंग हमें पता है कि डर. आई एम अफ्रेड देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम विथ, मुझे डर है कि वहाँ थोड़ी समस्या है. स्लाइट यानी कि थोड़ी, प्रॉब्लम यानी समस्या. आई एम अफ्रेड देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम विथ, मुझे डर है कि वहाँ थोड़ी समस्या है. नेक्स्ट सॉरी टू बॉदर यू बट यानी कि आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें लेकिन, और आप अपनी जो भी कंप्लेंट दर्ज करवानी है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू यानी कि मैं राजी नहीं हूँ, मुझे इस बात से खुशी नहीं हुई. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू. नेक्स्ट है फ्रेंड वुडंट बी अ गुड आइडिया टू यह एक अच्छा विचार नहीं होगा, यह इसका अर्थ है. नेक्स्ट सेंटेंस है देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग विथ इसमें कुछ गड़बड़ लगती है. नेक्स्ट है आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट मैं उम्मीद कर रहा था लेकिन यह इसका मीनिंग है. नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, माफ़ कीजिएगा लेकिन यह एक समस्या है. एक्सक्यूज मी बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम,
माफ कीजिए लेकिन यहाँ एक समस्या है. नेक्स्ट, वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ, इस तरह से आप बोल सकते हो, ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं हाउ टू मेक कंप्लेंट्स के ढेर सारे सेंटेंसेस जो आपको आपके डेली यूज में, डेली लाइफ में, अगर आपको कहीं पे अगर कंप्लेंट रेज करवानी है, अगर आपको पता नहीं है कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, तो ये सेंटेंसेस यूज करके आगे आप अपनी जो भी कंप्लेंट है जिस चीज़ के बारे में वो बोल सकते हो. तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम हाउ टू इम्प्रेस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दोस्तों या रिश्तेदारों को प्रभावित या खुश कैसे करें. उसके लिए देर आर सम सेंटेंसेस, देर आर सम इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर पढ़ेंगे. तब तक के लिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक आपका अगर चैनल हो, फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट हो, ट्विटर पे अकाउंट हो, तो आप लिंक्डइन पे अकाउंट हो, तो हमारे चैनल का लिंक जो है वो आप शेयर कर सकते हो, जिस तरह से जिनको सच्ची में ज़रूरत है वो फ्रेंड्स के पास ये लेक्चर पहुंच जाए. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग इंग्लिश मास्टर चैनल एंड लेट्स सी, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.